फाइल दे दी है, काम सिखाया नहीं गया है। और कहते हैं इसको करो, कैसे करें हम? 15 दिन से खाना पीना कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं बोला, घर से चले गए। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं बताए। फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाया पुलिस वाले ने, उन्होंने कहा 16 आ जाओ इमरजेंसी में। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऑफिस वालों ने मारा, मुझे इतना पता है, अगर मैंने काम सिखा दिया होता ना। इनको डिप्रेशन में ना जाने देते। सेक्टर 17 चंडीगढ़ के स्टेट ऑफिस में कर्मचारियों पर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। नए अफसर तैनात होते हैं और बाबुओं की शामत आ जाती है। वर्कलोड से परेशान कर्मचारी जान देना ज्यादा ही मुनासिब समझ रहे हैं। मंगलवार सुबह डीसी ऑफिस के कॉलोनी ब्रांच में तैनात जूनियर असिस्टेंट दिनेश ने सेक्टर 16 के जनरल अस्पताल से कूदकर जान दे दी। इससे पहले प्रोटोकॉल विभाग में तैनात क्लर्क हरीश ने कुछ महीने पहले अपने घर पर फंदा लगा लिया था। दिनेश शादीशुदा था, उसके 2 बेटे थे और एक 10 साल का और दूसरा 7 साल का है। लोगों ने बताया कि ऑफिस वर्कलोड की वजह से वह 3 महीने से मानसिक तौर पर काफी परेशान था। 2 कर्मचारियों की मौत से गुस्साए डीसी ऑफिस कर्मियों ने मंगलवार को पेन डाउन हड़ताल कर दी। सभी ऑफिस से बाहर आकर बैठ गए और खूब हंगामा किया। कई कर्मचारियों ने बताया कि वे कई तरह की बीमारियों की दवाइयों साथ रखकर काम कर रहे हैं। डीसी ऑफिस में हंगामे की खबर सुनकर शहर भर की मीडिया और बड़े नेता जैसे भाजपा नेता संजय टंडन, आप नेता प्रदीप छाबड़ा पहुंच गए। आज से 3 महीने पहले से परेशान थे वो ऑफिस से। फाइलें लेके आते थे, कहते काम सिखाया नहीं गया है और उनसे काम इतना हैवी लिया जा रहा है। ना कोई सिखाने वाला है, ना कुछ बताने वाला है उनको कोई। नाम नहीं बताया मुझे किसी का। जो फाइलें होती थी उसमें में ही कहते थे कि ये फाइल दे दी है, काम सिखाया नहीं गया है। और कहते हैं इसको करो, कैसे करें हम? 15 दिन से खाना पीना कुछ नहीं खाया है। 4 दिन से सोए भी नहीं है। 2-3 बार से घर से भाग चुके हैं, फिर आ जाते थे। माइंड काम नहीं करता। जूनियर असिस्टेंट 3:30 बजे। कुछ नहीं बोला, घर से चले गए। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं बताए। कह रहे आ रहा हूँ। उसके बाद फिर फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठाया नहीं। फिर मैं बेटे को छोड़ने स्कूल गई। स्कूल के बाद जो मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा क्या बताओ, उठा लें। फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाया पुलिस वाले ने, उन्होंने कहा 16 आ जाओ इमरजेंसी में। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उन्होंने मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मैं ऑफिस वालों ने मारा, मुझे इतना पता है, अगर मैंने काम सिखा दिया होता ना। इनको डिप्रेशन में ना जाने देते। जी हाँ, डीसी के सामने ही कर्मचारियों ने वर्कलोड को लेकर नेता वे मीडिया के सामने खुलकर बताया। डीसी ने भी आश्वासन दिया कि वे हर समस्या पर खुलकर बात करेंगे और उन्हें निपटाएंगे। मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अभी हम ऊपर चल के बैठे, समस्या को मैं अभी और कोई कार्य नहीं करा। जब तक आपकी समस्याओं पर हम प्रॉपर कॉम्प्लीट काम नहीं करेंगे, मैं आज आपसे कोई कार्य नहीं एक्सपेक्ट। अभी हम लोग मीटिंग हॉल में सभी के साथ बैठ के सभी विषयों पे बात करेंगे, उसमें आज जो जो हमने निर्णय करने ताकि इस तरह की समस्या किसी स्टाफ को न आए। और आपके जो भी विषय हैं उनको हम सुनने के लिए हर हफ्ते का स्टाफ का ही फिक्स एक घंटा भी करेंगे, कि जो आपके अपने पर्सनल इश्यूज हैं, आपके अपने प्रोफेशनल इश्यूज हैं, वो भी आप सीधा IAS ऑफिसर तक, जो भी उच्च अधिकारी उन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन कब तक डीसी ऑफिस के कर्मचारी अपने ही हाथों अपनी जान गंवाते रहेंगे? आखिर कब खत्म होगा उनका स्ट्रेस? तो हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनके जो कजन भाई हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ पूरा मामला, क्या नाम है? मेरा नाम श्याम नारायण है। श्यामलाल जी, जिस तरीके से आज सुबह सुबह ये मामला सामने आया है, ऐसे में कभी आप घर आते होंगे उनके, कभी कोई बात हुई हो, किस चीज़ से परेशान थे? वो मेरे को कहते थे ना कि जो हमारा कोई सीनियर है वो मेरे को तंग करता है। ऐसी बात उन्होंने मेरे से पहले कही है कि मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा था। मेरा कोई सीनियर है वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है काम के मामले में। और पूछने पर वो कह रहे थे ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, उन्होंने बताया नहीं। कब बात कही थी ये आपको? यही 20-25 दिन पहले की बात है। 20-25 दिन पहले कही थी। तो आपने अभी जिस तरीके से घटना हुई है, इसके बाद आपने कोई पुलिस को भी सूचना दी है?
नहीं अभी तो फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो है घर के उन्होंने किया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, मांग क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या कुछ मांग है आपकी? मांग क्या भाई, जो भी है वो इंसाफ किया जाए, जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है उनको धरो, उनको पकड़ो। देख सकते हैं उनके जो मृतक हैं दिनेश मौर्य, उनके ब्रदर हैं। और आपको बता दें कि सेक्टर 17 स्टेट ऑफ डीसी ऑफिस के बाहर जो कर्मचारियों ने भी इस घटना के बाद धरना प्रदर्शन कर दिया और ये कहा कि उनको काफ़ी वर्कलोड दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी हताश है, उनको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा उनसे काम भी लिया जा रहा है, रात रात तक जो है लेडीज़ों को बिठाया जाता है पर उनकी कोई जाने की सुविधा नहीं होती। तो साफ तौर पर इनका यह कहना था कि इस वर्कलोड को ख़त्म किया जाए ताकि कोई और ऐसा कर्मचारी जो है आत्मदाह ना कर सके। तो वहीं डीसी ने भी जो है पूरा आश्वासन दिया, पूरा आश्वासन देने की कोशिश की और अभी तक जो है उनकी मीटिंग चल रही है, उनको समझाया जा रहा है कर्मचारियों को, क्योंकि वो धरने पर जो है कर्मचारियों का ये कहना था कि वह काम नहीं करेंगे क्योंकि जब तक ये उन्हें पूरा आश्वासन नहीं मिल जाता, जो उनका वर्कलोड है वो ख़त्म नहीं किया जाता या उनको जो सैटरडे संडे की जो छुट्टी है वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तब तक ये जो है धरने पर बैठे रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो सीनियर अधिकारी हैं स्टेट ऑफिस के, उनके द्वारा जिस तरीके से कर्मचारियों को तंग किया जा रहा था और जिस तरीके से आज ये मामला सामने आया, इसके बाद क्या स्टेट ऑफिस कर्मचारी इस पर सूध लेंगे या फिर नहीं। चंडीगढ़ से कैमरामैन रोहित के साथ अजित कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।